मैडम जी लग चुकी हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए। वेलकम वेलकम, आप सभी का स्वागत ये है। ये देखिए कचौड़ी छन रहा है, कितने बड़े फूल फूल फुला हुआ, इतने सारे कचौड़ी छन चुके हैं और ये लास्ट है। भुजिया वगैरह होगा जो कि आपको रास्ते में देखने को मिलेगा। हम लोग अब कहीं जा रहे हैं, मतलब अनवांटेड जर्नी, जहाँ मैं हम लोगों ने सोचा नहीं था वहाँ की जर्नी स्टार्ट हो गई हमारी। मतलब वहाँ पे जा चुके हैं बहुत बार, मगर ये जर्नी जो हम आज करने वाले हैं बिल्कुल सोचे नहीं थे। और अचानक से बिहार से हमारे फ्रेंड्स आए और बोले कि नहीं चलना ही है, चलना ही है, चलना ही है। तो हम लोग अब कितना मना करते हैं, चलना ही पड़ रहा है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं और बस उन लोगों का साथ देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हर दिल में रब बसता है। तो ब्रेकफास्ट बन रहा है कि रास्ते में कहीं रुकेंगे तो थोड़ा पूरे दिन का हुआ, सुबह जाएंगे शाम वापस आएंगे। हाँ। तो कहीं भूख तो लगेगा ना। हाँ, होटल में खाना मिल जाएगा, लेकिन घर का भी खाना एक टाइम तो तुम घर का खाना खा ही सकते। हाँ। तो तैयारी चल रही है, बस हो गया खत्म मेरा। वो लोग होटल में स्टे किए हुए हैं तो वो लोग आएंगे फिर अपनी गाड़ी से, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे अपनी गाड़ी से, फिर दोनों फिर एक जगह मिल जाएंगे। तो हमारे निकलने का टाइम हो चुका है, वो लोग होटल से निकल चुके हैं और वेदिका अभी तक तैयार नहीं हुई है। वेदिका तैयार हो रही है और मिस्टर दीपक वेदराज नहीं जाने वाले हैं, ये तैयार नहीं हुए हैं क्योंकि ये जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी ये तो एक तो बड़ा हो गया और आगरा बहुत बढ़ गया हुआ है, और यहाँ रहेगा तो एटलीस्ट ट्यूशन वगैरह करेगा, कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर लेगा। तो हम लोग अभी तैयार हो चुके हैं और चलते हैं, क्योंकि सेम डे में रिटर्न आना है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तैयार हो गई, चलो 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 चलो। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से और मतलब यहाँ से 7:53, मतलब 8 बज गए हैं अभी, 8 बजे हम लोग निकले हैं और 215 किलोमीटर दिखा रहा है। यहाँ से ताजमहल मैंने सीधा लगाया है। अब रास्ते में लोग कहाँ पे मिलेंगे, मुझे पेट्रोल भी लेना है, तो देखते हैं। समय बहुत 4.5 घंटे का समय दिखा रहा है, ज्यादा टाइम दिखा रहा है, क्योंकि आगरा 2 मिनट नहीं, 2.5 घंटे, 2.5-3 घंटे बहुत है, 3 घंटे बहुत है। ये अभी मतलब 4.5 घंटे 25 मिनट दिखा रहा है, पता नहीं क्या बारिश की वजह से जाम वाम है, जाम वाम हो सकता है, देखते हैं। चलिए पहले हम गए थे आगरा तो 2 घंटे लगे थे। तो सबसे पहले गाड़ी का ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करेगा फिर यहाँ से निकलेंगे। और बारिश शुरू हो गई है, पता नहीं क्यों यहाँ पे दिल्ली में बारिश कंटिन्यू, जैसे लग रहा है कि बारिश के मौसम में भारत का मौसम आ गया, कंटिन्यू बारिश हो रही है। नोएडा में आपका स्वागत है, नोएडा में आपका स्वागत नहीं, ग्रेटर नोएडा में आपका स्वागत है। और एक्चुअली हमारा जो वाइपर है ना वो खराब हो गया है, वाइपर एक वाइपर ठीक है, एक वाइपर चेक नहीं किया ना पहले। हाँ, ये एक्चुअली प्लान भी एकदम हड़बड़ी हो रहा था, हमें समय ही नहीं मिला कि हम उसको ठीक करवा सके। बेचारा वाइपर रो रो के क्लीन करने की कोशिश कर रहा है मगर वो नहीं रहा है उससे। तो हमने टॉल क्रॉस कर लिया है और टॉल क्रॉस करके यमुना एक्सप्रेसवे का टॉल क्रॉस करके हम लोग अभी एक सिवा ढाबा है उधर टर्न लिए हैं। क्यों लिए हैं चलिए बताते। तो हम लोग सिवा ढाबा पे रुक गए हैं और यहाँ पे हमारे मित्र जी वेट कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से साथ में चलेंगे, मतलब साथ में कितना, गाड़ी अलग अलग ही होगी लेकिन साथ में चलेंगे। हेलो, हम ढाबे पे आ गए, गाड़ी आगे लगाए थे, पराठा हम लोग को चाय पीजिए आप लोग, हम लोग नहीं नहीं चाय। तो सिवा ढाबा से हम लोग आगे बैठ चुके, तो सिवा ढाबा से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और ये देखिए पीछे कौन कौन आ गया। ये है नंदिनी और इधर है रितु और बीच में है कनक ज्योति। हम लोग जा रहे हैं आगरा ताजमहल घूमने के लिए और बारिश कंटिन्यू हो ही रही है, एक गाड़ी और हमारे साथ जा रही है जो पीछे चल रही है हमारे। तो अभी सिवा ढाबा से पराठे लिए थे आलू के, थोड़ा थोड़ा मुंह में हम लोग टेस्ट किया ना तो भूख लग गया था, अभी घर से जो लाई है वो अभी निकालेंगे फिर सब खाएंगे। नंदिनी लोग हमारा वेट कर रही थी सिवा ढाबा पे, तो आज पराठे खरीद लिए थे, पराठे खा रहे थे तब तक हम लोग पहुंच गए। तो दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का ना, तो पराठा हम लोग खा लिए, जो अपना पूरी लेके गए उन्होंने भी खाएगी। निकालो निकालो जल्दी पूरी निकालो, अचार निकालो, अचार लाइए, नहीं मैं घर का अचार है। तो हम लोग का ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो चुका है
अचार खा रही हूँ। वेदिका अचार पूरी खा रही है। इधर भी सबने अपना ब्रेकफास्ट खा लिया, सब्जी खा रहे हैं, नाश्ते लेके घर से आए थे। और कैसा लग रहा है? बहुत दिनों के बाद ना इस तरह कार जर्नी में हम लोग खा रहे हैं खाना और बीवी के हाथों से। और आप लोग बहुत दिनों बाद देख रहे हैं क्या? बहुत दिनों बाद हम लोग कार से कहीं ट्रिप कर रहे हैं। हाँ। वो भी मतलब अनचाहा ट्रिप, जो बिल्कुल हम लोग सोचे नहीं थे अचानक से। मौसम अच्छा हो चुका है, बारिश रुक चुकी है। ऐसा मौसम रहे ना तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना। धूप नहीं रहे, ऐसे ही रहे, ठंडा ठंडा हवा चलता रहे, तब ये ताजमहल, तब ये किले जितने भी है ना, तब अच्छा लगता है। तो उसे उसके बाद अगर गर्मी में घूमेंगे तो बहुत परेशानी होने लगता है, धूप लगता है, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हॉल्ट मार के ये लोग खाना दूसरी गाड़ी में भी पहुँचा रहे हैं, क्योंकि तो वो लोग भूखे आ रहे थे, तो उन लोगों को भी खाना दे दिया गया। ये लोग अपना हाथ वाथ धो रहे हैं और चल रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया है, सबको फुल टाइट हो चुके हैं, सब एक साथ हो गया, दोनों गाड़ी फुल टाइट, खाना वाना खा लिया है। अब चल चुके हैं हम लोग ताजमहल की तरफ। और नंदिनी का फर्स्ट टाइम है ताजमहल? हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम है। तो फर्स्ट टाइम में तो देखने में अच्छा लगेगा, हम लोग तो बहुत बार देख चुके हैं, एक बार और सही। ताजमहल पहुंच जाएंगे तो क्या एक थोड़ा चाय वाय पी लिया है। यहाँ पे हाईवे का चाय पीने में मजा आता है ना। हम लोग जब भी यहाँ बिहार जाते हैं तो यहाँ पे चाय पीते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी चाय पीते हैं, फिर यहाँ से निकले डायरेक्ट ताजमहल। झलकड़ी बाई है, झलकड़ी बाई है ये। हमने सोचा झांसी की रानी, ये झांसी की रानी कैसे चली आई झांसी से आगरा में? क्या करने आई थी? पता नहीं, सिपाही इकट्ठा करने अंग्रेजों के खिलाफ। तो हम लोग वेस्ट पार्किंग मतलब वेस्ट गेट पे पहुंच गए ताजमहल के, लेकिन जाम यहाँ लगा हुआ है, मतलब लंबा समय लगने वाला है। पार्किंग 5 से 10 मिनट लग जाएगा हमें पार्किंग तक कार को पहुंचाने में, और पार्किंग नहीं पहुंचाएंगे तो हम लोग कार कहाँ सर पे लेके घूमेंगे? तो चारों उठा के ले जाएंगे जाने के लिए। क्या गाइड थे, खाली फोटो खिंचा लेंगे हम लोग। लेकिन लाइन कितना है पता है आपको? तो घंटे का लाइन है। तो हम लोग पहुंच गए हैं, पार्किंग में इतनी ज़्यादा भीड़ है, पता नहीं आज भीड़ सब मुझे सबसे ज़्यादा अब तक का ताजमहल का भीड़ आज दिखा है। और सैटरडे है आज, और पार्किंग के लिए बिल्कुल जगह नहीं मिल रहा था, फिर भी जैसे जैसे जगह मिला है अब हम लोग ताजमहल की तरफ बढ़ रहे हैं। भीड़ देखी थी कभी? बहुत ज़्यादा, बिल्कुल जगह नहीं मिल रहा था। इस पार्किंग में सब लोग आते गाड़ी लगाते थे, निकल लेते थे। तो फाइनली हमें बैटरी वाला रिक्शा मिल गया है, 300-400 मीटर दूर हमारे वेस्ट गेट के पास पहुंचा देगी, और 20 रुपए पर सवारी है ना। हाँ, ओनर है। पहले हम लोग उस गाड़ी की तरफ गए, वहाँ पे कोई नहीं भरा, जगह भी भर गया, हम भी बैठ गए जल्दी जल्दी। ब्लैकमेलिंग आप सोच नहीं सकते हैं, इतनी भीड़ में पहली बार मैंने ऐसा देखा, 150-200 रुपए एक्स्ट्रा टिकट लेके बाहर बेच रहे हैं। लाइन अभी फर्जी टिकट, कोई फर्जी भैया, स्कैन भी नहीं किया, डायरेक्ट घुसा दिया। हम लोग ताजमहल घूम के आ गए बाहर, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, भीड़ इतनी ज़्यादा थी, और पहली बार लाइफ में पहली बार इतने बार ताजमहल हम लोग आ चुके हैं। आप लोगों ने देखा कितनी बार हम लोग ताजमहल घूम के आ चुके हैं, और फर्स्ट टाइम इतना भीड़ मिला है, जहाँ गाड़ी लगाने की बिल्कुल जगह नहीं मिल रही थी, और
वो ताजमहल के आगे ब्लैक में टिकट बिक रहा है। सबसे देख के तो ये आश्चर्य हुआ, मतलब 150 ताजमहल का टिकट ब्लैक में। अगर आप टिकट ले रहे हैं, इसे 5-6 लोग हैं, तो आप 200 रुपए एक्स्ट्रा टिकट दीजिए। मतलब सिनेमा हॉल के आगे ब्लैक ईयर चलते थे ना, वैसे ब्लैक ईयर ताजमहल के आगे घूम रहे हैं भाई। आपको फटाफट से एंट्री दे देंगे और आपका टिकट पर टिकट हुई भी जल्दी से हो गई। आप जल्दी से अंदर पहुंच गए, चेकिंग वेकिंग करवा के सारा कुछ। जहाँ पे भीड़ है वहाँ पे करप्शन है। हाँ। तो हम लोग फटाफट से, ऐसे तो प्लान मथुरा वृंदावन का भी था, लेकिन अब शाम हो गया, मुझे लगता है 4 बज गया। 4 बज गया यहीं पे। तो अभी तो अभी भी निकलने में भी आसानी से निकल नहीं पा रहे हैं। ये भी जाम है, तो मुझे लगता है आगरा से बाहर जाते हैं तो 5 बजे तो ऐसा जाम है। मथुरा वृंदावन गया तो रात के 12-1 बज जाएंगे, तो इसलिए हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। अब डायरेक्ट घर का प्लान है। और शाम के बज गए हैं 5:15 और हम लोग ब्रेक ले लिया है, और जनरली हम लोग यहीं पे ब्रेक लेते हैं। अभी तक सुबह से हमने जो घर से लाया था वही खाया हुआ है, तो अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे सब कोई खाएंगे। क्या हुआ? और फिर जिनको भूख लगा हुआ खाएंगे, थोड़ा थोड़ा तो खा ही लेंगे। बैठते हैं जब खाने के लिए, कुछ ना कुछ तो खा ही लेते हैं। और लेकिन मैं ताजमहल की भीड़ को देख के मैं बहुत ज़्यादा मतलब ये हो गया, कोई आंटी पसंद आ गई है, अभी तो आने पाती रहेगी। रह जाओ, वेदिका दीदी के साथ नाम लिखा देंगे स्कूल में। और सब लोग चले गए हैं वॉशरूम, मैं हूँ बाहर इसको लेकर के, और मैं कोशिश कर रहा हूँ ये रोए ना, क्योंकि मेरे पास अभी तक गोद में आई नहीं है ये, तो ये अभी देख के मुझे पहचानने की कोशिश कर रही है। डर तो नहीं है, रोगी तो नहीं। कैमरा देख के कैमरे से चेहरे छुपा रही है। कौन है ये? कौन है? हाँ, कौन है? पहले बता दे भाई, आपके पास है तो बारिश में हम लोग जर्नी कंप्लीट करके अभी लास्ट स्टॉल पे हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, जो जो जिस गाड़ी में उस गाड़ी में शिफ्ट हो रहे हैं। चलो आपकी ठीक है भाभी, बात करते हैं। पहुंच तो हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं और बारिश तो कंटिन्यू बना ही रहा, जो हम लोग आगरा से निकले और बारिश शुरू हुई तो तेज होती ही गई, कमी नहीं कम नहीं हुआ। तो बारिश में भी नहीं इतना बारिश होता, इतना बारिश में बारिश भी बारिश को भी बात कर लिया, पूरी जर्नी का एकदम कचरा किए हुए था पूरा, खतरनाक वाली बारिश। बारिश में ज्यादा बारिश अच्छी नहीं लगती है, मौसम अच्छा रहे कंटिन्यू नॉन स्टॉप बारिश। हम लोग आगरा से जब से निकले हैं तब से नॉन स्टॉप बारिश चल रहा है, और तो तेज होता जा रहा है, और तेज जैसे जैसे घर पहुंचने वाले हैं तेज होता जा रहा है। चलो घर आ गए हम लोग, और अभी कुछ देर में घर पहुंच जाएंगे। चलिए घर पहुंचते हैं, फिर बात कर लेते हैं आप लोगों से। तो हम लोग पहुंच गए घर, और आज का दिन सिर्फ भागा भागी हुआ, कुछ घूमना नहीं हुआ, बारिश ने कुछ भी हमें घूमने नहीं दिया है ना। तो इस ब्लॉक के तेज बारिश, अभी भी बारिश हो रही है, तो अभी बारिश कंटिन्यू चल रही है, लगता है बारिश का मौसम आ गया। एक हफ्ता तक मौसम वेदर फोरकास्ट में देखा कि एक वन वीक बारिश होती रहेगी। चलो बारिश को होने देते हैं और हम लोग इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और दिन भर क्या किए? पढ़ाई किए आधा घंटा, दिन भर पढ़ाई करा और दिन भर पढ़ाई करा।